दोस्तों मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज के मरीजों के लिए एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हुई है जिससे कि वो ब्लड शुगर अपना मेजरमेंट हर 5 मिनट बाद जांच सकते देख सकते हैं बिना कोई प्रिक किए हुए। नॉर्मली कई कंडीशन आती है जिसमें कि हमें हर घंटे घंटे ब्लड शुगर चेक करना पड़ता है या हर आधे घंटे या हर 2 घंटे में चेक करना पड़ता है, बार बार शुगर चेक करना पड़ता है, तो हर घंटे घंटे प्रिक करके मरीज को इतना दर्द होने लगता है कि उसको समझना कैसे करें। तो अभी एक टेक्नोलॉजी आई है उसे बोलते हैं फ्री स्टाइल लिब्रे है। और ऐसे फोटो इसमें देखिए आप, ये फ्री स्टाइल लिब्रे स्ट्रिप आती है, सेंसर है ये, उसके अंदर ही सेंसर होता है, ऐसा एक सेंसर होता है जो हम लोग पेशेंट के यहाँ पर लगा देते हैं। और एक होता है रीडर, ऐसा रीडर होता है, जैसे आप इसको नज़दीक ले जाएंगे अपने आप इसे बता देंगे शुगर कि शुगर 110 है, 90 है, 220 है, तब हर 5-5 मिनट का रीडिंग इसके अंदर रिकॉर्ड होता जाएगा। उसको जब चाहें उसको बटन दबा के देख सकते हैं कि इसमें शुगर कितना है, पिछले 4 घंटे शुगर कैसा है, आप देख सकते हैं। इसे बोलते हैं फ्री स्टाइल लिब्रे प्रो। इंडिया में लिब्रे जो है प्रो जो डॉक्टर्स पास होती है और लिब्रे प्लेन पेशेंट पास होती है, जिसमें एक ये रीडर होता है और ये एक सेंसर होता है। सेंसर इस डिब्बे में आता है। जब आप ये अबॉट कंपनी इंडिया में लाई इसको, ये यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में कई सालों से यूज हो रहा था और इंडिया में भी कुछ सालों से इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इसको बड़ा यूज़फुल। अभी जो कोविड टाइम गया उसमें हम लोग को हर घंटे घंटे शुगर चेक करना पड़ता होता है, या प्रेगनेंसी के मरीजों को हमें दिन में 4-4 बार शुगर चेक करना पड़ता है, 5 बार चेक करना पड़ता है, या कई बार डायबिटीज विद कीटोन्स आ जाते हैं, डायबिटीज विद इन्फेक्शन आ जाते हैं, उनको बार बार शुगर चेक करना पड़ता है, तो उसमें बार बार शुगर उंगली चेक करना बहुत ही कठिन होता है, तो वहाँ ये बहुत यूजफुल है। पर दुर्भाग्य क्या है कि इसका एक रीडर कॉस्ट पड़ता है करीब 5500 रुपये और सेंसर कॉस्ट पड़ता है ये 5000 रुपये। तो एक बार उनको दोनों ये रीडर तो लाइफ लॉन्ग काम आएगा। इसके अंदर वो ब्लड शुगर चेक, इसे स्ट्रिप आता है, ब्लड शुगर चेक करते हैं, इसे यूरिन कीटोन चेक करते हैं, ब्लड कीटोन इसे ब्लड कीटोन भी करते हैं। स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज वालों के लिए बड़ा यूजफुल है, क्योंकि टाइप 1 में कीटोन का खतरा बढ़ता रहता है, इवन प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन में ब्लड में कीटोन बढ़ने का चांस होता है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं इसको। तो मरीज को पहले 5500 रीडर खरीदना पड़ता है और 5000 का सेंसर खरीदना पड़ता है। एक सेंसर यहाँ लगाने के बाद ये 14 दिन तक काम करता है और ये 14 दिन का पूरा रीडिंग आपको देगा। आप जब भी सपोज आप लंच टाइम आपको इंसुलिन लगाना है तो आप देख करके कितना अकॉर्डिंग आप इंसुलिन एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस ये 24 आवर का एक रिकॉर्ड देगा, 14 आवर का एक कंबाइंड रिकॉर्ड देगा, एक पूरा ऐसा रिकॉर्ड देगा, उससे आपको आइडिया लगे कब शुगर बढ़ रहा, कब घट रहा, कब रेंज के अंदर है, रात में कब डिप मार रहा, उससे हमारा दवा एडजस्टमेंट पर काम आता है। तो नॉर्मली हम लोग तब यूज़ करते हैं जिसको डायबिटीज बहुत फ्लक्चुएटिंग है, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज में, या प्रेगनेंसी के दौरान यूज करते हैं हम लोग, या किसी को बार बार डीके हो जाता है, या किसी को बार हाइपोग्लाइसीमिक टेंडेंसी बार बार होती है, जो भी शुगर लोग चांसेस ज़्यादा होती है, जहाँ ब्रिटल डायबिटीज होती है, आज शुगर सेम इंसुलिन में आज शुगर 100 है, कल शुगर 400 है, कल शुगर 40 है, वहाँ यूज करते हैं हम लोग। इससे हमें आइडिया लगता है कि शुगर पैटर्न क्या चल रहा है। तो आपने देखा कि इसमें ये फ्रीस्टाइल लिब्रे होता है, इसका रीडर है और ये उसका ये सेंसर जो आपको यहाँ पर लगाया जाता है, इसमें रीडिंग बताया गया कि 112 है ऐसे करके। तो इस सेंसर को मेरे पास से एक हमने खुद अपने लगवा के दिखाता हूँ आपको कि शुगर कैसे करते हैं। मुझे डायबिटीज नहीं है बट आप लोग के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये खुद मैं अपने लगवाता हूँ और देखिए कि इसको कैसे यूज होता है। तो मैं खुद पहले एक्सपीरियंस करना चाहता कैसा होता है, सो दैट कि अपने पेशेंट को हम इसको रिकमेंड कर सकें। अब मतलब इसे साफ करो स्पिरिट शॉप से, देखिए बस इसको आप पहले सबसे पहले इसको सेंसर का कवर को आप इसको हटा दीजिए, इसे ये हटा दिया आप। हाँ
इस पर कह रहा हूँ कि ये इसमें बोलते लॉन्चर, बोलते लॉन्चर, इसको आपको ऐसे करके घुमा के इसको बाहर निकाल देना आपको। इसको आप पहले, सबसे पहले इसको सेंसर का कवर को आप इसको हटा दीजिए, ऐसे ये हटा दीजिए, ठीक है। ये इस पर कह रहा हूँ, ये इसे बोलते लॉन्चर, बोलते लॉन्चर, इसको आपको ऐसे करके घुमा के निकाल, इसको बाहर निकाल देना आपको जी। वो सेंसर वाला पैकेट लगेगा सर, ये दिस लाइन एंड दिस लाइन शुड बी मैच। इस सेंसर के अंदर ये दोनों लाइन मैच, ये लाइन मैच हो चाहिए। पुश कर दीजिए तेजी से, ताकत लगा दो थोड़ा, बस ये सेंसर इसमें फिट हो गया। ये लाइन, ये लाइन मैच करके वहाँ पे इसको प्रेस प्रेस कर दिया जी। अब हाँ, सेंसर देखिए इसके अंदर आ गया, सेंसर आ गया, आ गया। इस सेंसर लगा हुआ है, आप स्क्रीन पे जहाँ लगाना रख करके हाथ के पीछे साइड में अब एक खुद साफ रख दो। ये सबसे बेस्ट वे जो आप कर रहे हैं सर, इसको ऐसे ही लगाया जाता है, बताओ। आप हाथ कैसे कर लीजिए ऐसे करके, जब रुई, जब ये स्प्रिट सूख जाए तो आप इसको ऐसे ऐसे टच करके प्रेस कीजिए, और फिर जोर से प्रेस करना होगा, जोर से यहाँ यहाँ पकड़ के, यहाँ पकड़े ना, बहुत जोर से नहीं, बहुत हल्का सा ताकत रहेगा, बस हो गया। बस ये थोड़ा आवाज़ क्या, ये लग गया, ये देखिए फिर से कॉर्नर को चिपका दीजिए, फोकस पे, इस पर फोकस करो, इस पर नज़दीक नज़दीक, नहीं अब आगे 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 आगे, अब देखो इस तरह से लग गया, ठीक है। मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, पता भी नहीं चला, और इसका इसमें इसके इसमें स्प्रिंग लगा होता है, जैसे प्रेस करते हुए स्प्रिंग रिलीज होकर के उसको अंदर डाल देता है, ये है। अब सेंसर रीडर रीड कर दिखाओ कितना शुगर है। अच्छा, तो ये शुगर की रीडिंग जो देगा 40 मिनट बाद देगा, अभी नहीं देगा ये। तो अब प्रोसेस सिखाते कैसे इसको वो यूज करना है। अब लाओ जरा अपना रीडर, हाँ। अब क्या पेशेंट क्या करेगा, फिर पेशेंट इसको देखिए, आप यहाँ पे ऑन कर दिया आपने, ये बंद कर दो, हाँ इसको देखिए ऑन कर दिया, देखो अपने क्या दिख रहा है इसमें, हाँ तो क्या लिख के आ रहा है, चेक ग्लूकोज, इस हाँ पेशेंट सेंसर था तो डेमो सेंसर है। ये सपोज किसी ये लगा हुआ, देखिए ये ऐसे लगा हुआ है, तो बाहर निकल जाएगा ना, नहीं नहीं क्योंकि सर डेमो पीस है। अच्छा, ये तो देखिए क्या होता है, ये सेंसर में देखो आप इधर देखो, और आप देखिए इसमें इस सेंसर के अंदर एक छोटा सा बहुत सुई है, बहुत सुई है, वेरी सुई फिलामेंट है, ये फ्लेक्सीबल है, ये फ्लेक्सीबल है, इसको छू देखूँ, ये देखिए ये फ्लेक्सिबल है, देखिए ये अंदर एक चुभता नहीं है, पतला सा है, और यही शुगर सेंस करता है, और 30 मिनट के बाद ये आपको शुगर रिपोर्ट देगा। तो एग्जांपल सपोज हम आधे घंटे बाद चेक करूँगा इसको, मैं आधे घंटे बाद तो दिखा रहा हूँ, आप क्या करेंगे अपने इससे वापस तुम लो जरा, हाँ सपोज ये हमारा, मुझे सपोज ये लगा हुआ है, मान लो एग्जाम्पल ये लगा हुआ है, इसको पकड़ लो जरा बेटा, पकड़ लो, मान लो ये पकड़ लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको ऑन करूँगा, सेंसर ऑन करूँगा, ये हाँ। अब देखिए इस लिखा है चेक ग्लूकोज, लिख रहा है स्कैन सेंसर टू चेक ग्लूकोज, आप इसको क्या करेंगे, इसको आप यहाँ ले जाएंगे, तो अब देखिए शुगर 117 आ गया, आ गया ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि अब हट जाओ, अब इसको आप इसे टेप लगाने के बाद इस पर आप पे एक आता है जो माइक्रोपोर का कपड़े और टेप होता है, उसको एक्स्ट्रा सेफ्टी चिपका दीजिए, एक्स्ट्रा उसकी ज़रूरत है नहीं। इसके बाद आप इसको अपना आराम से अपना शर्ट नीचे कर लीजिए, हेल्प कर, तो ये हमारा वहीं लगा हुआ है, और जब भी शुगर चेक करना होगा मुझे, मैं रीडिंग लेने के जब भी लेना होगा बिना शर्ट उतारे ऐसे करेंगे तो रीडिंग दे देगा।
तो इस तरह से आपने देखा कि हर जब भी मुझे खाने से पहले, खाने के 10 मिनट शुगर कितना है, हमने ऐसे बस लगाया है ना, और ऐसे करके शुगर इसे आ जाएगा। सर ये डेमो सेंसर है, आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये डेमो सेंसर को मैंने शर्ट के अंदर रख दिया, देखिए यहाँ रख दिया, और अब मैं इसके 4 सेंटीमीटर दूर इसको ऑन करूँगा, सेंसर ऑन करूँगा। इसके बाद इस सेंसर के तो हम अब देखिए सेंसर डाल दिया मैंने, और अब देखिए इसको यहाँ रखेंगे, बता दिया शुगर 126। तो इस तरह से आपको कपड़े के अंदर से भी रिपोर्ट ही सही देगा, बार बार शर्ट पीछे करने की जरूरत नहीं है। और जो कंपनी की रिकमेंडेशन की जो सेंसर अपने हाथ के बैक साइड में लगाइए, और इस तरह से आप दिन में चाहे जितने बार शुगर चेक करें, हर 5 मिनट रीडिंग देता रहेगा, और आप नहीं देखेंगे तभी वो रिकॉर्ड में रहेगा, और इसमें थ्रू आप इसका ग्राफ ले सकते हैं। आप ये आपको क्या नाम की कंप्यूटर देता है, ये मोबाइल भी देता है, मोबाइल में भी नहीं, मोबाइल में नहीं होता सर, कंप्यूटर से अटैच होता है। हाँ, इसको आप वायर से कंप्यूटर अटैच करके आप रीडिंग देख सकते हैं। तो आई होप इसे नॉलेज मिले कि आपको फ्री स्टाइल लिब्रे सेंसर एंड रीडर से कैसे शुगर चेक कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आपको शुगर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा, कंट्रोल नहीं आ रहा, बहुत ऊपर नीचे हो रहा, बार बार शुगर लोग चांस हो रहा है, तो अगर बार बार शुगर चेक से आपको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर सलाह लेकर के फ्री स्टाइल लिब्रे सेंसर एंड रीडर लेकर के आप रेगुलर शुगर मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे आपका शुगर कंट्रोल में आसानी होगी। अक्सर देखा है एक बार शुगर कंट्रोल आ जाए तो पैटर्न जानने के बाद बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग जो टफ टाइप 1 डायबिटीज टफ मरीज होते हैं, उनको साल में 3-4 लगवा के हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं खुद को भी अगले 14 दिन देखता हूँ परफॉर्मेंस कैसी है, और जैसा परफॉर्मेंस आपको बताऊँगे कि इसे क्या रिजल्ट दिया है। जो जैसे मेरा शुगर नॉर्मल है, पर फिर भी देखूँगा, मैं अच्छा मौका मेरे लिए है, मैं देखूँगा कि आम खाने पर शुगर कितना बढ़ता है, आलू में कितना बढ़ता है, एक अच्छा स्टडी करके आपको वीडियो बना दूँगा मैं कि 2 ब्रेड खाए तो शुगर कितना है, 1 खाए तो कितना का है। तो अगले 14 दिन मैं डाइट का शुगर रिस्पॉन्स देखूंगा मैं कि नॉर्मल लोगों में कैसा होता है। तो आई होप इसका वीडियो क्लोज करता हूँ, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पूरा इसको देखेगा समझेगा आपके काम का होगा। धन्यवाद, बंद कर स्विच ऑफ कर, स्टॉप का बटन दबा। हाँ।